रिकॉर्डेड होगा सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नमस्ते यूपी कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ है और हम सबको बहुत सारी जानकारी देने वाला है। दर्शकों, बड़ी लाजमी सी बात है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की चीज़ों से, वहाँ की योजनाओं से अवगत होना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। और इसी से संबंधित हमारा आज का विषय भी है, बताएंगे आपको आज का विषय। लेकिन हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। आज का सुविचार है, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। जी हाँ, हमेशा से कहा जाता है कि मेहनत कभी जाया नहीं होती। अगर हम दिल से लगन के साथ कोई भी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को हासिल ना भी कर पाएं तो हमें अनुभव ज़रूर प्राप्त होता है। असफलता के डर से कुछ भी ना करना जीवन में कुछ भी ना करने जैसा होता है। और वहीं आप हमेशा अगर प्रयास करते रहें तो हासिल अगर ना भी हो कोई चीज़, तो आप जीवन में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये था आज का सुविचार, आशा करते हैं इसको आप अपने जीवन में ढालें। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे मेन सेगमेंट की ओर और देखते हैं आज का विषय। नमस्ते यूपी का हमारा आज का विषय है भारत सरकार की योजनाएं और विकास के बढ़ते आयाम। हम सब जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे ले जाने में हजार कोशिशें होती हमारे देश में, और उनमें से एक बहुत बड़ी कोशिश है सरकारी योजनाएं। ये कोशिशें, ये योजनाएं हमारे देश को बहुत आगे ले जाती हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सामाजिक विकास हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर एक जगह हम देखते हैं कुछ सरकारी योजनाएं हमेशा ऐसे कार्यरत रहती हैं जो हम सबको आगे ले जाती हैं। तो आज का हमारा विषय इसी से संबंधित है। विषय पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एम के अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप पूर्व विभागाध्यक्ष हैं अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ से, लगभग 25 सालों से हमारे चैनल यानी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, और बड़ी ही बहुचर्चित बुक G20 स्टेट मोदी एम्पावरमेंट डेवलपमेंट भी आपने लिखी हुई है, और G20 स्टेट कोऑर्डिनेटर भी आप हैं। सर, बहुत सारी आपसे जानकारी लेंगे अभी इस विषय पर। और दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं हमारी आज की कवित्री से। हमारे साथ हैं अर्चना श्रीवास्तव जी। स्वागत है मैम आपका भी हमारे कार्यक्रम में। आपको साहित्य गौरव पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और आपने एक काव्य संग्रह भी लिखा है जो प्रकाशित हो चुका है। तो दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी विषय से संबंधित हमारे पास एक लघु फिल्म है, आइए उसको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का काम आम लोगों की भलाई।
तहत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सरकार द्वारा किए जा रहे लोकतंत्र हितैषी काम है। ये भारत में विकास के बदलते आयाम है। जी हाँ दर्शकों, और देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, इसको संबंधित ये वीडियो क्लिप था। और इसी के साथ सर, अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सर, जब हम योजनाओं की बात करते हैं, सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये देश और देश के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। आप इसको कैसे समझते हैं या कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरकार का दायित्व होता है एक विकासशील देश में, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, वो होता है कि जो जन आकांक्षाएं हैं, जन आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए इस प्रकार से तालमेल किया जाए कि जो धन व्यय किया जाए उसका निश्चित लाभ मिले और बढ़कर के लाभ मिले। मसलन यदि हम देखते हैं कि अगर किसी को शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, तो मुफ्त शिक्षा से ऐसा नहीं कि वो परिवार ही, वो व्यक्ति ही केवल शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है और वो हमेशा के लिए एक कमाऊ पूत बन जाता है, राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बन जाता है और भविष्य में वो सरकार से सहायता न लेकर के वो सरकार को ही पोषित करने लगता है। तो सरकारी उद्देश्य हमेशा यही होते हैं और इसीलिए बहुत ही सूझबूझ के साथ किसी भी नीति का, किसी भी योजना का निर्माण किया जाता है कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, वह उसको भेद पाए और उसको अधिकाधिक लाभ दे करके उसको विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। बिल्कुल सर, जैसे कि जब हम सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमेशा से ही योजनाएं हमारे देश में रही हैं, कोई ना कोई योजना हर सरकार लेकर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अब की योजनाओं की, आज के समय की योजनाओं की, तो वो कैसे पहले से भिन्न है? देखिये, जो मोदी जी का कार्य पद्धति है, उनका बहुत अस्पष्ट मत है और अब तो कह सकते हैं कि उसके अस्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं, बहुत क्लियर एविडेंस मिल रहे हैं। उनका कहने का मतलब कि इस प्रकार से योजनाओं का ताना बाना बुना जाए कि वो निर्धारित समय में, न्यूनतम समय में उसकी पूर्ति हो जाए और उससे मिलती हुई जो योजनाएं हैं वो और साथ साथ चले और आगे उसी से जोड़ दिया जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जनधन योजना के पहले, उसी के कुछ महीने पहले मोदी जी ने आकर कहा कि हमें पूरे देश में इंटरनेट का जाल बिछाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक जाना है। लोग समझ नहीं पाए कि इतनी क्या आवश्यकता है। जब जनधन आया, जब उसके बाद जीएसटी लागू हुआ या नोटबंदी लागू हुआ, उसका हमने कोरोना में भी देखा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोदी जी जो बात काम कर रहे हैं, उनकी जो रणनीति है, कम से कम समय में अधिक से अधिक योजनाओं को आपस में जोड़ना, जिससे उसकी लागत कम हो सके, कम समय में प्राप्त होने के कारण, उसके लक्ष्य भेदने के कारण उसका जो लाभ होता है वो अधिकाधिक हो जाता है और लोग उससे जुड़ करके लाभान्वित तो हो जाते हैं। बिल्कुल, ये अब प्रमाण भी मिलने लगे हैं। जी, पहले से बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, तब वो योजना लागू होती है ताकि अधिक अधिक उन चीजों का लाभ मिले लोगों को। सर, एक और चीज हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी योजनाओं को, वैसे तो शॉर्ट फिल्म में अभी हमने देखा ही कुछ योजनाओं के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी योजनाओं का जिक्र करें आप हमारे दर्शकों के सामने जो बहुत ज्यादा हम सबके लिए और जनता के लिए लाभप्रद है। सबसे पहला मैं नाम लेता हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, फिर इसी के साथ जनधन योजना का नाम लेता हूं, इसी प्रकार से स्वच्छता मिशन को आप लेकर के चलते हैं, इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं सबको आवास, सबको बिजली कनेक्शन, सबको पेयजल, ये ऐसी चीजें हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, हम लोग पिछले कई दशकों से प्रयास करते रहे लेकिन हमारा लिंग अनुपात जो था, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले घटती ही चली गई। जी, तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। आज उसके सुखद परिणाम डेटा के रूप में सामने आने लगे हैं। उन जिलों में, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा जो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हुआ करता था, वो और पंजाब, बहुत तेजी से इसमें सुधार आया है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो भी सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं उसकी एक और विशेषता रही है, उसको जन आंदोलन का रूप दिया गया, यानी कि जन सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया गया। केवल सरकारी योजनाएं नहीं, सरकार पहल कर रही है लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा जब जनता उससे जुड़ेगी। इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान में आप देखिए, इसी प्रकार से यदि आप देखते हैं तो आप
बिजली के कनेक्शन में देखते हैं तो लोग बढ़ चढ़ करके आए सामने, तब उसको सफलता प्राप्त हुई। योगा को आप देखिए, जी योग को लोग समझ नहीं रहे, वो सोचते हैं कि केवल एक चलिए जीवन पद्धति। योग ने किस प्रकार से लोगों को निरोग करने का काम किया है, और यही कारण है कि आज विश्व स्तर पर भारत की तूती बोल रही है। लगभग 180 से ज्यादा राष्ट्र इसको अपना चुके हैं। आप देखें, इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर किया था और सब उसमें शामिल हुए और सबने कहा कि हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल, और स्वच्छ भारत मिशन पे भी हर एक नागरिक शायद देश का इस समय जागरूक है कि उसको इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना है, और तभी देश हमारा जो है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो पाएगा। और इसी के साथ मैम, अब हम आपके पास आएंगे और बहुत देर से आप इंतजार करिए, क्या सुनाने वाली हैं आप हमारे दर्शकों को? आज दर्शकों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि नारी प्रधान है। बिल्कुल, गीत सुनिएगा। क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ, क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ, मेरे बल का अनुमान नहीं, मेरे सामर्थ्य का ज्ञान नहीं, मैं शक्ति समर्था नारी हूँ, मैं शक्ति समर्था नारी हूँ। मैं गंगा की धारा विरल, मैं यमुना का हूँ पावन जल, मैं संगम का संयुक्त रूप, मैं सरयू से बहती कल कल, जन जीवन की अभिलाषा हूँ, हर आंगन की किलकारी हूँ। क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ, क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ। मैं जनकपुरी की सीता हूँ, मैं बरसाने की राधा हूँ, मीराबाई की अमर कथा, माँ अनसुईया की गाथा हूँ, उमा रमा ब्रह्माणी हूँ, ज्वाला हूँ प्रलयंकारी हूँ। क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ, क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ। मेरी निष्ठा का मोल नहीं, क्षमता प्रज्ञा का तोल नहीं, मैं जीवन की अनघा सुगंध, मुझसा कोई अनमोल नहीं। सृजन शक्ति सामर्थ्य युक्त शीतलतम हूँ सुविचारी हूँ। क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी हूँ, क्यों तान तर्जनी कहते हो अबला हूँ बेचारी। बहुत बहुत खूब अर्चना जी, बहुत सुंदर। और सर, इसी के साथ अब वापस चर्चा पर वापस आते हैं। जैसे कि अभी मैम ने महिलाओं का जिक्र किया अपनी इस कविता में, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्या कुछ योजनाएं हैं सरकार की, क्या कुछ नीतियां हैं? मुझे लगता है कि मोदी सरकार कि ज़्यादातर नीतियाँ जो है और ज़्यादातर प्रयास महिला सशक्तिकरण पर ही हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो उनका समर्पण है, वो अद्भुत है। बिल्कुल, और शायद सर माफी चाहेंगे यहाँ पे, शायद ये वो चीज है जो बहुत वर्षों तक या अभी भी हम देखते हैं कुछ एरियाज में दबा कर रखा जाता है, और हम सब जानते हैं कि महिलाओं में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर अगर बाहर आ जाए, उनकी योजना या उनके जो भी जहन में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देश का ये जो सतत विकास है ना, गाड़ी के दो पहियों जैसा, वो बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इसके लिए चाहे उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा हो ट्रिपल तलाक के रूप में, या उन्हें जन आंदोलन लेना पड़ा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में, या उन्हें पोषणीय बनाने के लिए, समावेशी बनाने के लिए, चाहे उन्होंने उज्ज्वला की स्कीम हो यानी कि घर में स्वच्छ ईंधन के माध्यम से जिससे कि महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित हो सके, या उनकी मर्यादा सुरक्षित करने के लिए इज्जत घर के रूप में इन हाउस टॉयलेट के रूप में आप देखें तो, या उनकी शिक्षा के रूप में देखें तो, या महिलाओं के और बाल विकास के रूप में देखें तो, जिस प्रकार से तेजी से विकास हुआ है, उनके स्वास्थ्य की चिंता की गई है, उनके स्वास्थ्य का संरक्षण पोषण किया गया है, तो ये सारी चीजें यदि हम देखते हैं, यदि सबको पक्का मकान मिलता है तो सबसे पहले कौन सुरक्षित होती है? घर की नारी, घर की बच्चियां, घर के बच्चे सुरक्षित होते हैं। यदि स्वच्छ ईंधन मिलता है खाना बनाने के लिए, तो जो समय बचता है वो बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के लिए समय बचता है कि वो कुछ अन्य आर्थिक क्रियाकलाप करना चाहें तो कर सकें, जो रास्ते में ईंधन बिनने के कारण
या शौच में जाने के कारण जो दुर्घटनाओं की संभावना होती है, चाहे जानवरों के रूप में चाहे किसी अन्य रूप में, उससे भी सुरक्षा का वातावरण बनता है। यानी कि आत्मविश्वास जो महिलाओं का इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, वो वापस लाना, उसको स्थापित करना और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना। क्योंकि जैसा अभी अर्चना जी ने बताया कि महिलाएं अबला नहीं, वो सबला हैं, राष्ट्र को समाज को राह दिखाने वाली हैं। तो इसलिए आप सारा देखें, चाहे भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल आया, बहुत दशकों से बात चल रही थी, लोग नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं के आत्मिक और जो जन सहभागिता आप देखती हैं विकास के रूप में, बिल्कुल। तो जन सहभागिता में मुख्य भूमिका किसकी, जन सहभागिता मुख्य भूमिका ये देखते हैं तो महिलाओं की है। महिलाओं की, यदि स्वच्छता देख रहे हैं तो, यदि बच्चियों की संख्या बढ़ी, जब महिलाओं को भरोसा हुआ कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनका पोषण की चिंता होगी, उनकी पढ़ाई की होगी, आर्थिक, तब जाकर के उन्होंने ये कदम, क्या आप सोच सकते हैं कि 8 वर्षों में, केवल 8 वर्षों में कई जिले ऐसे हो गए हैं, मैं आपको बताऊं जरीना जी, कि जहां पर लिंग अनुपात महिलाओं के फेवर में चला गया है। हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में बहुत तेजी से उठान आया, उत्तर प्रदेश के वो जिले जो 950-950 जहां हुआ करता था, 1000 पार कर चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NHFS-5 का डेटा कह रहा है। तो इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके, एक और मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से स्वच्छता जन सहभागिता बनी, उसका लाभ कैसे मिला, उसका लाभ ये मिला कि उससे गरीबी कम हुई। लोग सोचेंगे गरीबी कैसे कम हो सकती है स्वच्छता से, तो स्वच्छता के कारण बीमारी घटी। बरसात में प्रायः हम सभी परिचित हैं कि अखबार और टेलीविजन इस खबर से भरे रहते थे, कालरा कारण अस्पतालों में भीड़ लगी है, मारामारी हो रही है, पिछले कुछ वर्षों से नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार जो खर्च कर रहे थे इस पर, कालरा के ट्रीटमेंट पर, वो पैसा बचा, कार्य पर न जाने के कारण जो आर्थिक नुकसान था वो बचा, सेहत सुरक्षित हुई वो अलग, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा ये अलग। यानी कि कुल मिलाकर के सरकारी योजना, जनता का सहयोग जिसमें महिलाओं का विशेष सहयोग, और आर्थिक और सामाजिक जिसको कह सकते हैं सुदृढ़ता आना। और बड़ी लाजमी सी बात है सर, जब महिलाओं की बात होती है तो महिलाएं केंद्र बिंदु मानी जाती हैं, चाहे वो परिवार का हो और परिवार से ही समाज बनता है, ये हम सब जानते हैं, तो केंद्र बिंदु बन जाती हैं। अगर उनका विकास हो रहा है तो लाजमी सी चीज है कि देश का विकास संभव है और बिल्कुल होगा। तो दर्शकों, ये जो हमारी आज की चर्चा है इसको हम ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है कि नमस्ते यूपी के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ा जाए, आओ ये भी जाने। हम सब जानते हैं कि हम एक खूबसूरत प्रकृति के बीच में रहते हैं, बहुत सारे हमारे कर्तव्य हैं जो इस प्रकृति को लेकर के हैं, और आज है विश्व प्रकृति दिवस। तो आइए देखते हैं, आओ ये भी जाने में क्या कुछ खास है प्रकृति के लिए हमारे पास और प्रकृति के पास हमारे लिए। हम सभी प्रकृति का हिस्सा है और शायद यही कारण है कि हम
हैं। हम प्रकृति का हिस्सा हैं और उसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। प्रयास से ही परिवर्तन संभव है। जी हाँ दर्शकों, हम जिस प्रकृति में रहते हैं उसको लेकर के बहुत सारी हमारी जिम्मेदारी होती है और उसका निर्वहन करना हम सबका फर्ज होता है, और ऐसा करके हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय में प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की जो नमस्ते यूपी की चर्चा है उसकी फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से जारी करते हैं इसको। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर लिया, सरकारी योजनाओं की बात कर ली, किस किस तरह से लोगों के लिए लाभप्रद हैं, इन सब चीज़ों की बात करी। लेकिन सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं विश्व की, एक वक्त था विश्व का हमारे देश को देखने का नज़रिया अलग था, लेकिन अब के समय में ये नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है, तो इसको आप किस तौर पर देखते हैं? इसके दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं इस परिवर्तन के, जरीना जी। एक तो विश्व जिस मॉडल को लेकर चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है जी। फिर इधर 2014 से जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की विकास यात्रा को एक नया आयाम दिया है, नया कलेवर दिया है, उससे विश्व को अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। G20 में इसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अगर विश्व स्तर पर देखते हैं तो कोरोना के बाद चीन की स्थिति बड़ी खराब हो गई है आर्थिक रूप से, सामाजिक उनकी कभी भी अच्छी नहीं रही, अब और खराब हो रही है। अमेरिका की स्थिति देखते हैं तो वो ऋण के मकरजाल में फंसता जा रहा है। अमेरिका और यूरोप की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रही हैं, मंदी की ओर जा रही हैं, बेरोजगारी उनके यहाँ बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, विश्व को रास्ता वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जब भारत की ओर देखते हैं तो भारत को देखते हैं कि कोरोना के बाद भारत और तेजी से आगे बढ़ा, और इसका एक स्पष्ट प्रमाण है, भारत ने जिस प्रकार से अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया 12 मई 2020 को, कोरोना अभी शुरू भी नहीं हो पाया था प्रॉपर, तब उन्होंने उसकी व्यूह रचना की और लोग अचंभित थे, पूरा विश्व अचंभित था कि भारत कोरोना की लड़ाई के साथ साथ आर्थिक पहल भी कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे ही होगा, लेकिन उसके स्पष्ट प्रमाण इस प्रकार से देखे कि 2021 खत्म में जो है, जिस 21 में प्रारंभ होते ही भारत ने अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी और इस वैक्सीन को अपने तक सीमित न रखकर सैकड़ों कंट्रीज को दिया बहुत कम कीमत पर। क्यों? भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा प्रधानमंत्री जी ने G20 में कहा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उन्होंने उसको चरितार्थ किया। उन्होंने अफगानिस्तान जैसे राष्ट्र को दिया, तमामों और राष्ट्रों को, मतलब 100 से अधिक अफ्रीका के सारे राष्ट्रों को प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराई बहुत कम दामों पर बिना किसी शर्त के। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी के विकास का मूल मंत्र है, सह अस्तित्व सहभागिता वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल विश्व का क्या है इसके विपरीत है, उन्होंने उस वैक्सीन में भी अवसर खोजा। भारत ने इसमें सेवा का अवसर खोजा तो उन्होंने उसमें अपना आर्थिक और सामरिक अवसर खोजने की कोशिश की, और उनका वैक्सीन ऐसे प्रमाण भी मिल रहे हैं कि उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना भारत का रहा। तो इसकी वजह से विश्व आकर्षित हो रहा है कि भारत से शायद कोई रास्ता मिल पाए। G20 में आपने देखा अभी 9-10 सितंबर को जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ, वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी पहल की, जैसे पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए यूके के साथ मिलकर के एक फंड की स्थापना करते हैं। आप फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल से बचते हुए बायोफ्यूल की बात करते हैं, जिसको विश्व ने स्वीकार किया कि इससे छोटे किसानों को भी फायदा होगा, जो हमारी बर्बादी है वो नहीं होगी, बायो फ्यूल से जो है कॉस्ट भी कम होगा। विश्व ने पहली बार इसको अपनी रणनीति का हिस्सा माना। इसी प्रकार से देखते हैं भारत की ये सारी पहल है कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ जो है वहां तक कॉरिडोर ले जाने की बात है, चीन का जो कॉरिडोर है, आप अंतर देखिए, चीन का अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है, सामरिक अपने उद्देश्यों के लिए है, भारत का है कि विश्व में सामरिक के अतिरिक्त आर्थिक विकास, समावेशी विकास और पोषणीय विकास का मॉडल जो प्रस्तुत किया भारत ने। सर, जैसे जिक्र हो गया है तो हम इस पर जरूर आपसे जानना चाहेंगे, जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, जैसे कि हम सब जान रहे कहीं ना कहीं हम उस ओर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले कुछ सालों में देश को ये चीज कहां लेकर जाएगी? देखिए, भारत का जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज स्थापित हो चुका है कि भारत सबसे तीव्र दर से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है,
और भारत ने यह भी साबित कर दिया पिछले अपने 8-9 वर्ष के अभियान में कि हमने गरीबी पर भी बहुत तेजी से अंकुश लगाया है, बेरोजगारी दर भी कम हुई है। ये और लोग भी डेटा के रूप में कर रहे हैं, सरकारी डेटा के अतिरिक्त भी डेटा आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जो अभी तक विकास की रणनीति थी, ऊपर से नीचे विकास की धारा लाना, इनका कहने का मतलब नेचर क्या कहता है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर जाना। तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे एक स्वनिधि योजना की मैं बात करूं, बहुतों को पता ही नहीं होगा रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना के बाद 10,000 रुपए 20,000 रुपए का ऋण देना बिना किसी गारंटी के, जिसको पहले बैंक अपने दरवाजे पर आने नहीं देता था, आज उसको दिया। और एक और विशेष महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं उसमें, अब तक 50-60 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं पूरे भारत में, और इनकी रिपेमेंट यानी कि ऋण की अदायगी जो बड़े लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा पहले हो रही जी। है सर, एक चीज यहाँ पर पूछना चाहेंगे, जैसे कि रेडी पटरी लोगों के जो विक्रेता हैं उनकी बात हुई, और बहुत सारे ऐसे तबके हैं हमारे समाज में। बहुत बार एक प्रश्न उठता है कि जो सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी हैं और समय समय पर सरकार लेकर आ रही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो अवगत नहीं हो पाते इन योजनाओं से। कहीं ना कहीं शायद उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस तरह का नहीं है, या वो उतना टच में नहीं रहते हैं चीज़ों के। तो सर, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि जो लोग हैं जिनके लिए वो योजना है वो खासकर उन तक पहुंच जाए? मुझे लगता है कि अब शायद उतनी बड़ी चिंता नहीं रही इस मामले में। अब स्थिति यह है कि लोग जो है जागरूक हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार प्रचार प्रसार बहुत कम खर्चे पर सोशल मीडिया का विशेष रूप से जिस टारगेट ग्रुप को हो वहां पंचायत तक को जो है जोड़ रहे हैं, राज्य सरकारों को जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब भले कि केंद्र की योजना हो, बैंकों को भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि जैसे बैंकों को है आपको एससी एसटी को भी लोन देना ही देना है जी। तो पहले ये नहीं कि किसी को दे दिया, यानी कि समावेशी विकास की पूरी है। जनधन योजना के माध्यम से देखें तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिहाज से देखें तो, या इसी प्रकार से आप जैसे दवाओं के दामों में देखें 50 से 90% तक दवाओं के कामों में 900 दवा ऐसी लगभग हैं उस जिनके दाम कम हुए, चाहे जेनरिक मेडिसिन के रूप में, चाहे जन औषधि केंद्र के माध्यम से, चाहे नी ट्रांसप्लांट घुटने के ट्रांसपोर्ट, या हृदय में जो लगता है स्टेंट लगता है उसके दामों में कमी करके। यानी कि एक तरफ नहीं किया है, इन्होंने हर तरफ किया है और तेजी से किया। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इस जो रणनीति क्यों सफल होती नजर आ रही है, उसी रणनीति को जो 3 साल में तृप्त करना है आप 30 साल में करते हैं। अब जनधन योजना के बारे में देखें, उसका जो बन अकाउंट खुला है, कल्पना करिए पहले साल में 19 करोड़ अकाउंट खुले जबकि टोटल अकाउंट लगभग इतने ही थे, और अब तक 50 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। तो ये अपने आप में कीर्तिमान है। टोटल पॉपुलेशन अपनी देख लिया जाए और अकाउंट देख लिया जाए जनधन, तो चूंकि तीव्रता के साथ काम करते हैं, पूरे जोर शोर से करते हैं, मिशन मोड में करते हैं, इसलिए सफलता जल्दी मिल रही है। बिल्कुल सर, चर्चा को जारी करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी आपसे और पूछनी है, लेकिन दर्शकों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी योजनाओं और देश के बढ़ते आयाम पर, वैसे ही हम सब नमस्ते यूपी में भी आपके लिए एक लेकर आते हैं कोई ना कोई सरकारी योजना जिससे अगर आप अवगत नहीं है तो अवगत हो जाए। तो आइए देखते हैं वो कौन सी सरकारी योजना है जो इस वक्त आप सबके साथ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवक और युवतियां अपनी इच्छानुसार मोटर वाहन, फैशन डिजाइनिंग जैसे 34 क्षेत्रों के 283 पाठ्यक्रमों में से किसी को भी चुनकर उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अब तक लगभग 16,50,000 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा चुका है। 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी युवक और युवतियां इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बस आवेदन करने वाले युवक और युवतियों के पास उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण वेदक बीपीएल कार्ड धारक है तो उनका बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या, बेरोजगारी भत्ता पंजीकरण संख्या, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। जी हाँ दर्शकों, और इसके बाद एक बार फिर से आप सबको बता देते हैं, आज हम नमस्ते यूपी में चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार की योजनाएं और देश के बदलते आयाम पर, और बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर साहब हमें इस विषय पर। लेकिन अभी हम मैम आपके पास आएंगे, अब क्या सुनाएंगी आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, आप सभी के समय सुनिएगा। फिर से आवाज मुझको दे रही है आज गजल, फिर से आवाज मुझको दे रही है आज गजल, छेड़ कर जा रही है दिल के कई साज गजल, छेड़ कर जा रही है दिल के कई साज गजल। वो जो आए करीब मेरे तो यूं लगने लगा, वो जो आए करीब मेरे तो यूं लगने लगा, गीत गुंजार करते देती है आवाज गजल, गीत गुंजार करते देती है आवाज गजल, छेड़ कर जा रही है दिल के कई साज गजल। ये सफर यूं ही मुसलसल हमेशा चलता रहे, ये सफर यूं ही मुसलसल हमेशा चलता रहे, मंजिलों की नहीं दरकार ना मोहताज गजल, मंजिलों की नहीं दरकार ना मोहताज गजल, छेड़ कर जा रही है दिल के कई साज गजल। और शेर देखिएगा कि गीत और छंदों में एहसास मुखर होते हैं, गीत और छंदों में एहसास मुखर होते हैं, दिल ही दिल में समेट रखती है हर राज गजल, दिल ही दिल में समेट रखती है हर राज गजल, छेड़ कर जा रही है दिल के कई साज गजल। रंग हर दिन बदलते देख दुनिया वालों के, रंग हर दिन बदलते देख दुनिया वालों के, बदल रही है धीरे धीरे हर अंदाज गजल, बदल रही है धीरे धीरे हर अंदाज गजल। जब भी मासूम दिल में शोखियां उमड़ती हैं, जब भी मासूम दिल में शोखियां उमड़ती हैं, दिल के हर साज पर मचलती है मुमताज गजल, बहुत सुंदर दिल के हर साज पर मचलती है मुमताज गजल। बहुत सुंदर, आपने गजल में ही गजल का स्वरूप हम सबको सुनाया, बहुत खूबसूरत। सर इसी के साथ अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी किताब के बारे में, मोदी इम्पावर्स डेवलपमेंट, बहुत ही फेमस बुक है, हम चाहेंगे इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ खास है इसमें। देखिए मैं किताब भी दिखाता हूं आपको कि ये किताब है मोदी पर, मोदी जी पर, और ये इसलिए लिखी गई है ये पुस्तक कि ये पता चले कि क्या ये एक फिलॉसफी है, एक जो है गाइडलाइन है, या पूरा जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट है। तो हम देखते हैं इस पुस्तक में हमने पूरा एक प्रयास किया है कि मोदी की पूरी इकोनॉमिक रणनीति, हालांकि मोदी की रणनीति को एक किताब में समेटना आसान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जैसे उनकी व्यूह रचना क्या है, स्पीड स्केल डायमेंशन, यानी कि तेज गति से काम करना और उसका इस प्रकार से पोषण करना कि एक साथ कई योजनाएं लाभान्वित हैं और कई गुना लोग उससे लाभान्वित एक साथ हो चुके। मसलन यदि मान लीजिए कि इन्होंने जनधन अकाउंट खोला
तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उधर लाभ दिया, तो जो लीकेज हो रहा था लीकेज भी बंद हुआ। लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिला और त्वरित मिला। आप देखिए उनको बैंक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कल तक बैंक अकाउंट न होने के कारण बहुत सी चीजें थी। एक अटल पेंशन योजना देखिए, इसी प्रकार से तमाम सोशल सिक्योरिटी के काम देखिए, स्कॉलरशिप देखिए, सीधे उनके अकाउंट में जा रहा। लोग इस तरह डिजिटल इंडिया से भी जुड़ गए। डिजिटल इंडिया का ये स्पष्ट प्रमाण, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो गवर्नेंस है, सुशासन को स्थापित करना, लोगों का सरकार में क्यों फिर से विश्वास बढ़ा और क्यों लोग विकास की धारा में आगे तेजी से आ पाए, उसका कारण यही है कि उन्होंने जन आकांक्षाओं के अनुरूप और जन चेतना को जागृत किया और उसको जन आंदोलन में परिवर्तित किया। क्या 50 करोड़ अकाउंट ऐसे खुल गए? जन आंदोलन हुआ इसमें। बिल्कुल सर, वक्त हमारे पास कम है, कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इस रणनीति है, जो मोदी जी के विकास की रणनीति है, ये समझिए इन्होंने विकास को दलगत राजनीति से अलग रखे रखा है। आप अगर देखते हैं तो आज कश्मीर तेजी से उभरता हुआ राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में कहा जाता उपेक्षित राज्य थे, आज सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बढ़े हैं तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, 7 राज्यों में बढ़े हैं। कितने एयरपोर्ट्स वहां पर बढ़ चुके हैं, पर्यटन की अगर आप वहां देखते हैं, और रेलवे वहां पहुंच गई। मैं बिल्कुल, आप सोचिए कश्मीर में रेलवे पहुंच गया है। तो ये शो करता है कि विकास कुछ तक सीमित होके न रह जाए, जन आंदोलन के साथ साथ पूरे राष्ट्रव्यापी हो जाए और आत्मस्फूर्ति वाला विकास बने, और शायद इसमें मोदी जी पूरी तरह सफल होते हुए नजर आते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, एमके अग्रवाल जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी इस विषय पर दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी खूबसूरत गजल और बेहतरीन कविताओं से हमारे प्रोग्राम को सजाने के लिए। और दर्शकों, बस चलते चलते यही कहना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस की सरकारी योजनाओं के बारे में, उनके लाभ के बारे में, और आशा यही करते हैं आप भी जो हमारे देश में योजनाएं हैं, हम सब के लिए योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाएं। और इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाजत, छोड़े चलते हैं आपको इस खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।